अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लिंक्स ऑफ पीडीएफ फाइल्स यूज्ड इन दिस वीडियो आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो टुडे वी शैल स्टडी अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर अबाउट कैपिलरी और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिजल्ट जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू योर टिपिकल HPLC। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये फ्लैट प्रोफाइल जो है वो क्यों बनती है और क्रोमेटोग्राफी में ये इस तरह की पैराबोलिक जो प्रोफाइल है वो क्यों बनती है, उसका आंसर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो में मिलता है। अब अगर आप देखेंगे ये वही बैटरी के टर्मिनल्स हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और हमने चीज़ों को जो सेपरेट करना है वो कैटाइंस हैं और दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो यहाँ जो कैपिलरी है उसकी वॉल के अंदर यहाँ पर साइलानोल ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है। साइलानोल ग्रुप्स आर SiOH ग्रुप्स। लेकिन जब हम यहाँ पर अंदर जो है वो मीडियम एसिडिक करते हैं तो ये साइलानोल ग्रुप्स जो हैं वो अपने H+ साइन रिलीज कर देते हैं और SiO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव जो है वो आकर लाइन जो है वो आइंस की लग जाती है दोनों तरफ, दोनों साइड ऑफ कैपिलरी। अब उससे होगा क्या कि जो मिक्सचर के कुछ केटाइंस हैं वो यहाँ पर आकर, ये अगर आप देखें तो वो इस नेगेटिव स्पीशी के साथ आकर जो है वो अटैच हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बना रहे हैं जिसमें ये नेगेटिव चार्जेस हैं और ये जो चार्जेस हैं ये साइलानोल ग्रुप्स की आयोनाइजेशन की वजह से क्रिएट हुए हैं और ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये ड्यू टू द एनालाइट मिक्सचर हैं। अब होगा क्या कि जब एक दफ़ा ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी इन नेगेटिवली चार्ज स्पीशी के साथ अटैच हो जाएंगी तो बाकी जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं वो बगैर किसी हिंड्रेंस के, बगैर किसी अटैचमेंट के यहाँ पर फ्लो करेंगे क्योंकि इस पॉजिटिव का इस पॉजिटिव के साथ रिपल्शन होगी एंड दे विल मूव फॉरवर्ड विदाउट हैविंग एनी इंट्रैक्शन विद दी वॉल। और इसी तरह इस तरफ भी यही सूरत हाल है। जब दोनों तरफ ये सूरत हाल है तो जो फ्लो होगा वो एक जैसा होगा। लेकिन इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के ना बनने की वजह से क्रोमेटोग्राफी में ये होता है कि जब फ्लो एक तरफ होता है तो जो इंट्रैक्शन होती है वो वॉल्स के साथ ज़्यादा होती है और जो दरमियान में आपका मिक्सचर होता है उसके पास कोई हिंड्रेंस नहीं होती तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर जाता है। वेयर है जो आपके टर्मिनल पर चीज़ें हैं वो इंट्रैक्ट करती हैं, रेजिस्टेंस होती है। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि बाज़ दफ़ा कैपिलरी की वॉल को हम एच करते हैं, उसमें खराशे डालते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर और यहाँ पर फ्लो जो है वो कम हो जाता है और यहाँ पर फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है जिससे जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपकी पीक है वो ब्राउन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर कोई इंट्रैक्शन नहीं है ड्यू टू दिस डबल लेयर और आपका जो सेंटर में फ्लो होता है वो बड़ी स्पीड के साथ मूव करता है और विद फ्लैट प्रोफाइल और इसीलिए आपकी पीक जो है वो नैरो आती है। सो इस इलेक्ट्रो ऑस्मेटिक फ्लो की वजह से जो आपका रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें बेटर आता है। सो ऑल दिस डिस्कशन विच आई हैव डिस्क्राइब वो जो है वो इस पैराग्राफ में जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। नाउ क्वेश्चन इज दिस के जब हम यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है और इन्होंने इस तरफ को फ्लो करना है तो क्या सिर्फ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इस तरफ को मूव करेंगी या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी मूव करेंगी? देखें इसमें ये है, इस डायग्राम में ये बताया गया है कि इफ़ यू सी के पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ का फ्लो सबसे ज़्यादा होगा जिन पर ज़्यादा चार्ज है, नंबर टू पर फिर जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेंगी, फिर जो न्यूट्रल है वो, और फिर जो नेगेटिव है फिर वो, और सबसे एंड पर जो है वो टू नेगेटिव। उसकी वजह क्या है कि हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिया है और जो आपके जो इसमें बफर है उसके फ्लो की वजह से स्पीशीज सारी ही एक इलेक्ट्रोड से दूसरी तरफ जाएंगी क्योंकि हमने एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ा दिया है, दूसरा जो है वो हमने वैक्यूम क्रिएट किया है या हमने पंप लगाया है तो सारी स्पीशीज दूसरी तरफ मूव करेंगी। लेकिन अगर आपने इस डायग्राम को देखें तो जो जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो जो है वो ज़्यादा पहले मूव करेंगी और जिन पर फिर नेगेटिव है वो कम। सो डिपेंडिंग अपॉन आप इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज़ करें,
इसके बाद ये इक्वेशन है जिसमें जो v है ये वेलोसिटी है इन द और द माइग्रेशन रेट ऑफ आयन है, एंड ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक म्यू ई, म्यू ई जो है वो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, दैट इज़ द दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज, और दूसरा वो डिपेंड करती है ई पर, ई जो है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना देंगे उतनी स्पीड जो है वो बढ़ेगी, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ई जो है दैट फर्दर डिपेंड्स अपॉन वी ओवर एल, जो वी है यहाँ पर ये है वोल्टेज एंड एल इज़ दी लेंथ, जो जाहिर है जितनी लेंथ कम होगी उतना ही वो फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा। नाउ जिस तरह हमने प्लेट थ्योरी में वर्चुअल प्लेट्स पढ़ी और हमने क्रोमेटोग्राफी में ये प्रूव किया था कि जितनी प्लेट ज़्यादा होंगी उतनी ही बेटर सेपरेशन होगी, तो इसी तरह यहाँ पर ये एन नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन म्यू ई एंड वी ओवर टू डी, वेयर डी जो है इज़ द डिफ्यूजन कोफिशेंट ऑफ द सॉल्यूट। जिस तरह हमने क्रोमेटोग्राफी में ये प्रूफ किया था कि जितनी नंबर ऑफ प्लेट ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पर भी अगर आपने n को बढ़ाना है तो आपको म्यू ई और v को बढ़ाना होगा, और जो डिफ्यूजन कोफिशेंट है वो कितना डिफ्यूज़ होता है सल्यूट आपके कैपिलरी में और जेल में, उसको आपको जो है वो कम करना होगा, और रफली जो है वो 1 लाख to 2 लाख प्लेट काउंट्स जो है वो हम लेते हैं बाय अप्लाइंग अ यूजुअल वोल्टेज। नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशंस हैं, जो हमारी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसकी बहुत टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग है, आइसो टैकोफोरेसिस है, कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो जो हम टिपिकली यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं CZE, इसको हम कहते हैं कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि कैपिलरी के अंदर जो है वो डिफरेंट जोन बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट। तो देखें यहाँ पर अगर हमने जिस तरह यहाँ पर है कि अगर हमने कैटाइन्स को यहाँ पर जो है वो सेपरेट करना है, तो यहाँ पर साइलेनॉल ग्रुप्स जो हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में नेगेटिवली चार्ज होगा, और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ जो हैं वो आकर अटैच हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ को आपने रन करवाना है, तो हमें फिर जो हमारा सैंपल मिक्सचर है वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली वो फिर जो है दूसरी तरफ को, इस तरफ को उनका जो है वो फ्लो होगा। जब आपने यहाँ पर लिखा कि अगर आपने एनायंस को जो है वो फ्लो करवाना है, तो आप जो कैपिलरी वॉल है उनका ट्रीटमेंट करेंगे विद सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ग्रुप्स। सो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो वो जो आपके नेगेटिव एंड्स हैं कैपिलरी के वॉल के, उनके साथ ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी जो है वो जाकर अटैच हो जाएगी, और फिर जो ब्रोमाइड आयन है वो इसके आउटर साइड पर जो है वो अटैच होंगे। तो इस तरह नेगेटिवली चार्ज स्पीशी की एक डबल लेयर जो है वो बन जाएगी, और इससे हम रिवर्स विच विल कॉन्सिक्वेंटली रिवर्सिंग द इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो। इसी तरह सॉल्यूशन के अंदर और भी कोई अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं, तो वो इसके साथ अटैच हो जाएंगी, और इस तरह एक टर्मिनल एंड पर आपके नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होंगी। तो एनायन के केस में अब यहाँ पर फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होंगी, और फिर वो विदाउट एनी हिंड्रेंस फ्रॉम द वॉल जो है वो ईजिली मूव करेंगी। सो बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यूज़ करते थे टेक्निक सच एज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक मिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन ये आने के बाद हमने रेजोल्यूशन भी देखा बेटर हुई है, और सेपरेशन भी बेटर हुई है, और इसकी जो प्राइस है वो $10,000 to $65,000 है, विच इज़ क्वाइट चीप एज कम्पेयर टू द अबव मेंशनड इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये जो है वो एल्यूट आउट होने वाले कंपाउंड्स हैं, और ये जो है वो इनके डिटेक्टर का रिस्पांस है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कैपिलरी एरे इलेक्ट्रोफोरेसिस इन डीएनए सीक्वेंसिंग। देखें यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है मेथड, इसमें हमने जस्ट एक कैपिलरी जो है वो यूज़ की है,
तो एक वक्त में एक ही तरह के जो है वो मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, या सैंपल जो है वो बहुत कम जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं। तो कैपिलरी लेयर एरे इलेक्ट्रोफ्लेसिस में हम क्या करते हैं कि हम एट अ टाइम एक वक्त में यहाँ पर 96 कैपिलरीज जो हैं वो अटैच कर सकते हैं। तो 96 टाइप ऑफ मिक्सचर जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, और इसको जो है वो यहाँ से जो है वो पास करवाएंगे और दूसरी तरफ जो है वो उनकी सेपरेशन होगी। यहाँ पर जो हम पर्टिकुलरली ये वाला यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ यूज़ फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। देखें, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के मुताबिक जो हमारा बॉडी के करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं, दैट आर कंट्रोल्ड बाय डीएनए। और डीएनए में आपको पता है जो इसका यूनिट होता है डीएनए का, वो होती है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस होती है, उसमें राइबोज और पेंटोज शुगर होती है, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो अगर हमें ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, अगर हमें इनका सीक्वेंस पता चल जाए तो हमें पूरे डीएनए के सीक्वेंस से फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन सा डीएनए का एरिया किस हेरिडिटी करैक्टर को कंट्रोल करता है। तो उसके लिए हम जो है ये प्रोसेस करते हैं। तो उसमें एट अ टाइम हम 96 कैपिलरीज जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो डीएनए के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं उनको चॉप अप करके तो हम जो है वो इन कैपिलरीज में ऐड करते हैं, और जहाँ पर हम डीएनए को कट करेंगे वहाँ पर टर्मिनल एंड पर कोई ना कोई यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस होगी, लाइक एडेनिन हो, वो भी साइटोसिन, गुआनिन या थाइमिन। अब कुछ डाइज होती हैं, फ्लोरिसेंट डाइज। फ्लोरिसेंट डाइज जो हैं ये फ्लोरिसेंस क्रिएट करती हैं, और इनकी एक जो है वो प्रॉपर्टी है कि दीज बाइंड विद दीज नाइट्रोजनस बेस। तो इसका मतलब है कि हमें अब कैसे पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर जो डीएनए का पार्टिकल है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंसिंग क्या है। तो एडेनिन के साथ कोई और डाई हम जो है वो ऐड करेंगे, साइटोसिन के साथ कोई और, गुआनिन के साथ कोई और थायमिन के साथ कोई और। तो इन जो डाइज हैं इनको हम एक लेज़र के ज़रिए जो है वो एक्टिव करेंगे। देखिए, फ्लोरिसेंस करने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना पड़ेगा, फिर जब वो डी एक्साइट करेंगे तो हर एक जो है वो अपना डिफरेंट कलर एमिट करेगा। तो इस तरह कलर कोडिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एडेनिन का कलर रेड है, साइटोसिन का ब्लू होगा, गुआनिन का ग्रीन होगा, थाइमिन का ब्लू और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब ये यहाँ पर चीज़ें सेपरेट होती हैं तो यहाँ पर हर एक के साथ डाई जो है वो बाइंड होगी, तो हम लेज़र के जरिए जो है उसको एक्साइट करते हैं, और जब डी एक्साइट होंगे तो यहाँ पर हमारा एक कैमरा जो है वो स्नैपशॉट्स लेगा, और इस तरह ये बेंडिंग जो है वो करता जाएगा, और ये बताएगा कि हमने जो डीएनए को यहाँ पर मिक्सअप किया है तो उसकी जो फ्रेगमेंटेशन है वो किस तरह हो रही है और किस तरह ये सीक्वेंस जो है वो बन रहा है। तो इस तरह इसकी भी जो कॉस्ट है वो 85,000 टू 300,000 जो है डॉलर इसकी प्राइस है। अब ये जो है ये बहुत स्मॉल साइज में जो है वो चल, देखिए इतना बड़ा काम हो रहा है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन और पीसीआर मशीन, बड़े हैवी इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत थी, तो हमने ये छोटे से इंस्ट्रूमेंट में जो है ये काम जो है वो कर लिया है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो नए नए कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक तो एनालाइज करता है, दूसरा एक रिसर्च ये भी चल रही है कि हम पर सैंपल जो कॉस्ट है उसको कम करें, और ऑन द साइट जो है वो हम एनालिसिस करें। तो इस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं लैब ऑन अ चिप, को हम चाहते हैं कि लैब जो है वो अब एक स्मॉल चिप, स्मॉल आपकी जो है वो लैपटॉप के अंदर ही पूरी लैब हो, तो आप जो है वहीं पर ही ऑन साइट जो है वो एनालिसिस करें। तो ये जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसने बड़ा मेजर रोल प्ले किया था। तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डिजास्टर हुआ था 9/11 का, तो उसमें बहुत सारी डेड बॉडीज़ थी, तो हर एक डेड बॉडी का डीएनए लिया गया और उनकी फैमिली के साथ उनका डीएनए जो है वो मैच किया गया, तो उस मैचिंग से जो है वो फिर डेड बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन हुई और उनको फिर जो है वो बरियल के प्रोसेस से ज़रा जल्दी गुजारा गया। तो इस तरह दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी एरे इलेक्ट्रोफोरेसिस।
तो अगर आप यहाँ पर एक ही रखते कैपलरी तो इतना सारा डीएनए जो है उसको ब्रेक करके रन करवाना दैट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसमें 96 कैपलरीज एक ही वक्त में सारा काम कर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स आउटलाइन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स की जो है वो इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।